friends this is a series of land laws in maharashtra by myself advocate kushal savan this video is about maharashtra land revenue code chapter 2 section 5 to section 19 this chapter deals with revenue officers their powers and duties to be performed under this code these are the titles of all the section under this chapter from section 5

तो उनको वो सरकार को देना पड़ता है या फिर उस पर्सन को देना पड़ता है जिसकी वो जिसके पास वो जिनके वो पेपर्स होते हैं ठीक है सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल द टाइटल्स एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एज यू कैन सी हियर दिस इज द मैप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिस होल महाराष्ट्र स्टेट इज बीन डिवाइडेड into number of divisions okay? so in total there are six divisions in maharashtra so for the convenience of administration the state is divided into number of divisions so the state is divided into number of divisions and we can call it as an administrative division of the state the division is again divided into number of districts as you can see here, uh, Pune division and this Pune division is divided into number of districts Pune, Satara, Sangli, Solapur and Kolhapur. The district is again divided into number of subdivision, okay? so SUB division Okay. So for example, Solapur district is uh, will be again divided into two to four subdivisions. A subdivision is again divided into number of Tehsil. ठीक है so सो वी कैन तहसील यानी कि हम लोग इसे तालुका भी बुला सकते हैं तालुका ओके अ तालुका इज अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सर्कल एंड अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ साजा साजा इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस अ साजा इज अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ विलेजेस

वहाँ पर काम करते हैं तलाटी तलाटी। सर्कल पे काम करते हैं सर्कल ऑफिसर या हम लोग सर्कल इंस्पेक्टर भी बुला सकते हैं तहसील पे काम करते हैं तहसीलदार तहसीलदार सब डिवीज़न पे काम करते हैं एस डी ओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पे काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को हेड करते हैं डिविजनल कमिश्नर ओके और स्टेट लेवल पे होते हैं है, स्टेट सेक्रेटरी जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी होते हैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के वो हेड होते हैं इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये सारे ऑफिसर्स है जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं एम एल के अंडर इनको अलग अलग ड्यूटीज दी जाती है ठीक है तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में अभी हम लोग इसको डिटेल में सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं नाउ फ्रेंड्स इस चैप्टर में कोई डिटेल पावर्स एंड फंक्शंस नहीं दिए हुए उन्होंने बस इतना कहा है कि ये ऑफिसर्स के क्या क्या पावर्स होंगे इस कोड के अंडर जो इनको फॉलो करने हैं और स्टेट गवर्नमेंट कैसे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन uh, या सब uh, ये स्टेट गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सारे डायरेक्शन इनको फॉलो करने होते हैं इसी के रिगार्डिंग जनरल ऑब्लिगेशंस दिए हुए डिटेल में पावर्स एंड फंक्शन इसी कोड के अंदर अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है वो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे उ सेक्शन फाइव से इज अबाउट चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन द रेवेन्यू मैटर्स तो चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी कनेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू इन द डिवीजन इज डिवीजनल कमिश्नर ओके एंड इज सब्जेक्टेड टू सुप्रिंटेंडेंस डिरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर को सुपरिनटेंडेंट करेगा डिरेक्ट करेगा एंड कंट्रोल करेगा एंड डिविजन लेवल पे कमिश्नर विल बी द हाइएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी उन्हीं के अंडर सारे काम चलेंगे

कमिश्नर इज द हाइस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन हिस्स डिजन रिलेटेड टू रेवेन्यू मैटर्स एंड सब्जेक्टेड टू कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट ओके ही सुपरवाइज डिरेक्शन कंट्रोल एंड प्रोवाइड लीडरशिप टू ऑलिनेट ऑफिसर्स इन हिज डिविजन यानी कि हमने हैरान की मैं उसके बिलो जितने भी ऑफिसर्स देखे वो सारे सब ऑर्डिनेट होते हैं और उनके ऊपर वो सुपरविजन डिरेक्शन कंट्रोल रखते हैं डिविजनल कमिश्नर इज ऑल्सो द अपीलेंट अथॉरिटी ऑन द केसेज हर्ड बाय द कलेक्टर कलेक्टर के पास भी एजुटुकेटिंग अथॉरिटी होती है रिलेटेड टू रेवेन्यू मैटर्स हम लोग इस कोर्ड में देखेंगे और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई पर्सन अपील कर सकता है कमिश्नर के पास ठीक है तो ही हेज द अपीलेंट अथॉरिटी ऑन द केसेज हर्ड बाय द कलेक्टर नाउ सेक्शन सेवन डील्स विद द रेवेन्यू ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट तो किसी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन रेवेन्यू ऑफिसर्स हो सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंचार्ज रहेगा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड द कलेक्टर एंड ही विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओके एंड ही विल बी असिस्टेड अकॉर्डिंगली एडिशनल असिस्टेंट एंड डेप्यूटी कलेक्टर्स वो उनको असिस्ट करेंगे उनको हेल्प uh, करेंगे वर्कलोड के हिसाब से ओके okay? सिमिलरली तालुका लेवल पे जो चीफ ऑफिसर रहेगा वो रहेगा तहसीलदार और उनको हेल्प करने के लिए नायाब तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार अपॉइंट किए जा सकते हैं ठीक है एंड उसके बाद होता है डिविजनल सब डिविजनल ऑफिसर सब डिविजनल ऑफिसर अपॉइंट होगा सब डिवीजन पे ठीक है सो डिविजन इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इंटू सब डिविजन सब डिवीजन इज डिवाइडेड इंटू तालुका ओके एंड तालुका इज अगेन डिवाइडेड इंटू सर्कल और सर्कल पे ऑफिसर होते हैं सर्कल ऑफिसर या सर्कल इंस्पेक्टर द सर्कल इज अगेन डिवाइडेड इंटू साजा और साजा पे होते हैं ऑफिसर तलाटी ही इज द हेड ऑफ द साजा सारे काम का उन्हीं को संभालने पड़ते हैं द साजा इज अगेन डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ विलेजेस और उस विलेज पे हेड सर्वेंट होते हैं कोतवाल ठीक है जो तलाटी को हेल्प करते हैं ये कोई फिक्स नहीं होता है कोतवाल होने ही चाहिए बट ये अकॉर्डिंग ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कोतवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे ठीक है सो डिविजनल लेवल पर डिवीजनल कमिश्नर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू ऑफिसर ये सारे हो गए कलेक्टर तहसीलदार एस सर्कल ऑफिसर तलाटी एंड कोतवाल सो हियर रिलेटेड टू रेवेन्यू मैटर्स यहाँ पर ये यह की दी गई है सर्कल ऑफिसर के नीचे होते हैं तलाटी एंड तलाडी के नीचे होते कोतवाल एंड पैरल टू दैट लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टीन सी रिलेटेड मैटर सर्वे रिलेटेड मैटर असेसमेंट इसके अलग अलग लेवल्स भी होते हैं एंड सेम ऑफिसर एक से ज्यादा काम परफॉर्म कर सकते ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि एक ही ऑफिसर को एक से ज्यादा काम दिए जाने चाहिए ठीक है ये भी इस एक्ट uh, में दिया हुआ है नाउ सर्वे ऑफिसर के रिगार्डिंग रेवेन्यू ऑफिसर तो हमने देख लिया सर्वे ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ फाइव सिक्स एट नाइन एंड टेन चैप्टर जो हम लोग बाद में देखेंगे तो इस चैप्टर में जो भी परफॉर्म ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है वो सारे सर्वे ऑफिसर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है एंड अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है जैसे सेटलमेंट कमिश्नर डायरेक्टर सुपरिंटेंडेंट इंस्पेक्टर ओके डेप्यूटी डायरेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेक्शन नाइन सेज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स यानी स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट वन एंड द सेम पर्सन टू टू और मोर ऑफ द ऑफिसर्स एड ऑफिस यानी एक ही पर्सन एक से ज्यादा ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है अलग अलग ऑफिस की वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे ठीक है वो सारे ड्यूटीज वो इस जो एक्ट में दिए गए हैं डेलीगेशन ऑफ पावर सेक्शन नाइन ए द स्टेट गवर्नमेंट में कैन डेलीगेट सच पावर्स टू एनी ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू सच रेवेन्यू एंड सर्वे ऑफिसर किसी एक पर्सन को और दूसरे काम भी दिए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उनको फाइनल पावर्स होते हैं

स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सारे ऑफिसर्स होंगे और वो स्टेट गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट होंगे ओके एंड ऑल अदर रेवेन्यूफिस ऑफिसर शैल बी सबॉर्डिनेट टू वन अनदर एक दूसरे को सबॉर्डिनेट करेंगे इन सच ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट तो हमने ऑर्डर तो देख लिया डिविजनल कमिश्नर के अंडर कलेक्टर कलेक्टर के अंडर एसडीओ एसडीओ के अंडर तहसीलदार तो तहसीलदार के अंडर सो एंड सो तो दीज विल बी ऑल सबॉर्डिनेट टू वन अनदर इन दैट हेरकी जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है अपॉइंटमेंट टू बी नोटिफाइड ठीक है नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंटमेंट किस किसका होगा तो अब द रैंक ऑफ तहसीलदार जितने भी ऑफिसर है सबका अपॉइंटमेंट होगा थ्रू नोटिफिकेशन ठीक है स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करके फिर ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा देन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स रेवेन्यू ऑफिसर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे सी हम लोग इसी चैप्टर को डिटेल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहीं पर सारे पावर्स एंड ड्यूटीज दे बट यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है यहां पर सिर्फ क्या कहा हुआ है कि अब द रैंक ऑफ तहसीलदार जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे शाल एक्सरसाइज द पावर्स एंड ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज एंड फंक्शन कंफेड एंड इम्पोज ऑन देम रिस्पेक्टिवली अंडर दिस कोड यानी इस कोड में दिए हुए जितने भी ड्यूटीज एंड फंक्शन दिए गए वो सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को करने होंगे ठीक है तो यही डिटेलिंग में यहां पर दिया यही यहां इस चैप्टर में दिया हुआ है और इस कोड में कौन कौन से पावर्स एंड फंक्शन है तो वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है वो हम लोग उस टाइम टू टाइम वो पढ़ेंगे ठीक है और एनी अदर पावर और एनी अदर ड्यूटी विच कैन बी टाइम टू टाइमली बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो अपार्ट फ्रॉम दिस कोड स्टेट गवर्नमेंट जो भी कहेगा वो उनको फॉलो करना होगा ठीक है पर इन ऑल द मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली स्पेशली प्रोवाइडेड इन द लॉ द रेवेन्यू ऑफिसर शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट सो वॉट विल बी द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ सर्वे ऑफिसर सर्कल ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स एक्सेट्रा तो ऑल दो पावर्स विच विल बी गिवन टू दाय द स्टेट गवर्नमेंट और डेप्यूटी एंड डायरेक्टर उस डिपार्टमेंट के होंगे वो और जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज कोड में दी जाती है वो सारी इन्हें परफॉर्म करनी है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंटली तहसीलदार का काम यहां पर दिया गया है तहसीलदार शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ऑल अदर अमाउंट रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू या लैंड ओके okay? तो तहसीलदार की जिम्मेदारी होते वो खुद करेंगे या तो फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आते फ्रॉम द कलेक्टर ही हैजू परफॉर्म दो ड्यूटीज तो और क्या क्या ड्यूटीज है रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू लैंड मैटर्स मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट रजिस्टर अकाउंट एंड अदर रेकॉर्ड इन्हें राइटिंग में प्रिपेयर करने होंगे जैसे नोटिस रिपोर्ट रिकॉर्ड जो भी इन्हें काम दिए जाते हैं या इस कोड में काम दिए हुए ठीक है? ऑल कनेक्टेड मैटर्स कंसर्न टू द विलेज ठीक है एंड प्रोड्यूस वेन एवर कॉल्ड अपॉन वो उन्हें प्रोड्यूस करना होगा किसी भी सुपीरियर ऑफिसर के सामने जब भी ये इसे इस पेपर्स के या उसकी डिमांड की जाएगी दिस गिवन इज अंडर सेक्शन फोर्टीन देन कन्फेरल बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पावर्स पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन अदर पर्सन इस कोड के अंदर दिए हुए फंक्शन पावर्स एंड ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट किसी और पर्सन को भी दे सकता है और वो उनके पावर्स में आता है ठीक है तो ये दिया हुआ है सेक्शन 15 में एंड सील्स यानी कि वो जितने भी स्टैम्प uh, या पेपर्स या तलाटी ऑफिस कलेक्टर ऑफिस उनके वो सही सिक्के जिसे हम लोग कहते हैं ना मराठी में सही सिक्के देने तो ये सारे सील्स उनकी ऑथराइजेशन इस सेक्शन uh, 16 में uh, दी हुई है नाउ चैप्टर टू का पार्ट बी डील्स विथ प्रोविजन ऑफ रिकवरी ऑफ मनी पेपर्स एंड अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर यानी जो भी रेवेन्यू ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके या फिर एम्प्लॉयमेंट में फिलहाल नहीं है रिजाइन कर दिया या उनके पास जो भी पोजीशन में जितना भी uh, पैसा पेपर्स या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो उनकी खुद की नहीं है वो उनको सरकार को देनी पड़ती है या दूसरे किसी पर्सन को जिसकी वो प्रॉपर्टी है ठीक है तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन सेवनटीन एटीन नाइनटीन क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं द कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड मे हैव अ क्लेम ऑन द रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर या फॉर्मली एम्प्लॉयड जो अगर पर्सन है उसके पास केम क्लेम कर सकते हैं वो सारा पब्लिक मनी या पेपर्स जो उसके पास आ, है ठीक है जो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं ठीक है थीके? और अगर आ, वो उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि उसको वो डिलीवर करे इमिडिएटली उस किसी पर्सन को जिसके पास वो है और वैसे राइटिंग में उस पर्सन को नोटिस देंगे और अगर वो पर्सन इसे फॉलो नहीं करता डज नॉट डिस्चार्जेस और डिलीवर्स द मनी और पेपर्स ओके तो उसके अगेंस्ट में वारंट निकलेगा और उसको सिविल जेल में रखा जाएगा जब तक वो अपने पैसे या वो जो भी पेपर्स है वो डिलीवर नहीं करता ठीक है और अगर वो पैसे या पेपर्स फिर भी अगर डिलीवर नहीं करता है तो उस पर्सन के अगेंस्ट में वैसे ही प्रोसीजर चलेगी जैसे किसी डिफॉल्टर के अगेंस्ट में प्रोसीजर चलती है अंडर दिस लॉ तो कलेक्टर उस पर्सन के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ पब्लिक मनी कर सकते हैं इन द सेम मैनर्स एंड रूल्स जैसे कोई लैंड रिकवरी की जाती है अंडर दिस लॉ डिफॉल्टर की ठीक है और ये ड्यूटी है वो सारे पर्सन की जिनके पोजीशन में वो पब्लिक मनी है पेपर्स है एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट है तो उस किसी पर्सन या जो कोई पर्सन जिसको पता है कि वो कहां पर है उसको इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करना कलेक्टर को जहां पर भी वो है ठीक है और फिर भी अगर वो नहीं मिल मिलते हैं तो उस पर्सन को जेल हो सकती है ओके द ऑफिसर और पर्सन इन जेल में सिक्योर हिज रिलीज बाय फर्निशिंग द सिक्योरिटी या जो भी पर्सन वो उसे फिर से गवर्नमेंट को देगा या उस पर्सन को देगा तभी उसे रिलीज किया जाएगा अदरवाइज उसको जेल भी हो सकती है वो रेवेन्यू ऑफिसर को जिसके पास ये सारा पोजिशन में है ठीक है